हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल. लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 2 था उसके जो टॉपिक्स थे वो सभी हमने लर्न कर लिए. नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.1. सो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन जो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स वो देखने जा रहे हैं. सबसे पहले यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फिलिंग द ब्लैंक्स. तो देखो यहाँ 7496 मल्टीप्लाई 5462 इज इक्वल टू 5462 मल्टीप्लाई ब्लैंक. तो देखो यहाँ क्या हुआ, नंबर का इंटरचेंज होगा. पहले पहले वाला नंबर पीछे आ गया और पीछे वाला नंबर वो क्या होगा, आगे आ गया. तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 7496. बी वाले देखो 51623, उसको कौन सा ऐसा नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा. तो हमें पता है कि 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा. फिर नेक्स्ट कि 4,78,900 उसको जीरो के साथ, जो ये आपको दिया गया है, किसको साथ मल्टीप्लाई करना है, जीरो के साथ. तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा. फिर जो ये कोई भी नंबर को सिक्स, जो यहाँ है कि ब्लैंक मल्टीप्लाई 6,900132 इज इक्वल टू जीरो. तो कोई भी नंबर को आपको पता है कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसको जीरो ही आंसर आने वाला. इसी तरह यहाँ ई एफ जी और एच ब्लैंक्स आपको दी गई है तो आपको अच्छी तरह से वो समझने की ट्राई करनी है. नाउ नेक्स्ट अब देखो, जनरली सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो 63 मल्टीप्लाई 10, तो हमें क्या करना होगा कि एक जीरो पीछे लगा देना होगा. तो क्या आंसर आएगा, 630. याद रखना मल्टीप्लाई 10 करना है, 100 करना है, 1000 करना है, तो वो एकदम इजी हो जाएगा. फिर 847 उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा कि लास्ट में दो जीरो एड कर देने होगी. हमने यहाँ क्या किया, जो देखो हमारा आंसर देखो 84,700, लास्ट में जो ये दो जीरो थे वो हमने क्या किया, लास्ट में दो जीरो ऐड कर दिए. फिर इसी तरह 9 × 1000 तो क्या होगा, पहले 9 लिख दिया, फिर 1000 के 3 जीरो लिख दिए तो क्या होगा, 9000. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही देखो आपको जो डी ई एफ जी एच वाले समय इसी तरह है तो आपको अच्छी तरह से सोल्व करना है, समझना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. अब देखो उसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 777 है उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है. किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को शायद मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो 777 मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 100. सो हमारा आंसर क्या आया, 77,700. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि जो हमें नंबर दिए गए उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया. लेकिन हमें चाहिए तो किसके साथ था, 50 के साथ मल्टीप्लाई करना था. तो 100 डिवाइड 50 करो तो आप तो क्या होगा, 50 × 100. So, फिर हमें क्या करना है, जो हमें आंसर मिला है उसको क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है. तो 77,700 है उसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 38,850. इसी तरह बी वाला सम देखो, 1480 उसको 5 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है. तो उसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 के नजदीक क्या आएगा, 10, 100 या 1000, तो 10 आएगा. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे, 148 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14,800. लेकिन हमें चाहिए था किसके साथ, 5 के साथ हमें चाहिए था ना, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था. तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड क्या करेंगे, 5. तो 10 डिवाइड 5 करो तो 5 × 2 = 10. तो क्या होगा कि हमें जो ये पूरा आंसर है उसको 2 के साथ डिवाइड करना होगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7,400. इसी तरह जो हमारा एक नेक्स्ट है, 209 दिया गया है आपके पास.
209 दिया गया है उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 200 फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 209 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो क्या आएगा 20,900। लेकिन हमें चाहिए था किसके साथ, 25 के साथ मल्टीप्लाई करना था ना हमें, तो अब क्या करेंगे 100 डिवाइड 25 तो क्या होगा 25 4 100, तो ये जो हमारा आंसर मिला है उसको हम क्या करेंगे 4 के साथ क्या करेंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5225। इसी तरह ई वाला सम देखो, चलो 428 है उसको आपको 102 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 428 को क्या करना है 102 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो 102 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब क्या होगा कि 421 है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस की प्लस साइन और फिर से 428 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ होगा। तो 428 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 42,800 और प्लस 428 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या होगा 856, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा 43,656। एफ वाला सम देखो 105 दिया गया है ना, तो क्या होगा 100 प्लस 5 तो पहले 821 क्या होगा 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होगा 821 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ देखो जो इसी तरह आपको जो ये आई वाला सम दिया गया है तो वो आपको समझने की ट्राई करनी है। एक देखो जो ये माइनस वाला देखो, अब देखो 98 है तो आप क्या करोगे, 98 है तो आपको क्या करना होगा, देखो चलो सबसे पहले 98 दिया गया है तो क्या करेगा 100 माइनस 2 तो क्या होगा 98 होगा, फिर क्या होगा 115 है वो पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 115 मल्टीप्लाई 100 बीच में माइनस की माइनस साइन फिर 115 मल्टीप्लाई 2 ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 11,270। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। एकदम छोटा सा हमारा चैप्टर था, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सभी जो पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ उसमें जो भी सम्स दिए गए है वो आपको CW बुक्स में आपको लिखने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।